विद्यार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए आईसीटी साइकोलॉजी के अंदर जो थर्ड पार्ट है उस दिता गया आईसीटी कंप्यूटर। पहला आप आईसीटी बारे जानकारी है वो हासिल करांगे। आईसीटी इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनफॉरमेशन का मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। सूचना ते संचार तकनीक। और इस चीज तो तुसी चंगी तरह जानू हो भाई, सूचना और संचार करना। इनफॉरमेशन सूचनावां ते कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस नूं कहिंदे आईसीटी। हुण इहदी एक परिभाषा राही इस पूरी जिहड़ी आईसीटी है उसनूं परिभाषित तुसी मिंट समझोगे भाई की है उसका अर्थ। आईसीटी एक अजिही तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जिस च कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण माध्यम जा संसाधना द्वारा जानकारी नूं संचारित स्टोर प्रसारित किया जाता है, जिस नाल ज्ञान च वाधा करन दा मकसद पूरा हुंदा है अते ज्ञान संचार निर्णय शक्ति दे नाल नाल किसे समस्यावां नूं हल करन दी सोझी मिलदी है। ए है भई आईसीटी। जेड़े स्कूलां च लगे हुए है भई इस समय उन्होंने आईसीटी लैब देखी होगी भई, जिथे इनफॉरमेशन ते कम्युनिकेशन का काम होंदा है। उदाहरण के तौर पर पहला समझा रहे हैं, फिर दोबारा इसनों होर चंगी तरह समझावांगे। आईसीटी लैब स्कूलों के अंदर बनी दी है। उस लैब के अंदर की है, एक वड्डी जी स्क्रीन लगी हुई है, एक एग्जाम्पल है, होर भी एग्जाम्पल बहुत है। उस स्क्रीन के राही जदों भी कोई भी विभाग ने उत्तों अपनी सूचना संप्रेषित करनी होंदी है, भेजनी होंदी है, ट्रेनिंग देनी होंदी है, कुछ भी समझाना होंदा है, बताना होंदा है, दिशा निर्देश जारी करने होंगे, तो उस समय उस राही वो अपनी कॉन्फ्रेंस बुलानी है, कुछ भी करना है, उस राही वो सीधा अपने मुखातब होंगे और अपन जो गल् है वह अपने सामने रखते हैं। और सारे जोड़े मास्टर है आईसीटी वाले कमरे च बह जाते हैं भाई, और उत्थे वो जानकारी सारी उन्होंने मिलती है। हम कई बार कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से भी यह काम होता है भाई, सूचना प्रसारित होती है, और कई बार मोबाइल के नाल भी, जिवें हुण इस समय आप एक आईसीटी की एक तकनीक उनकी वरतों कर रहे हैं, जिस नाल मैं ये सारिया सूचना है तुहानू प्रेषित कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, हर तरीके का सिस्टम हो रहा है। इन विच की होंदा पिया है, इस विच देखो एक अजिही तकनीक है, भावें तुसीं आईसीटी लैब वाली जिहड़ी हैगी है उहदा एग्जाम्पल लै लो, भावें एक मोबाइल के उत्ते ऐप के नाल एक एप्लीकेशन नाल मैं तुहानू समझा रहा है उसका लै लो। ये की होया, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना चाहिए, भला मोबाइल होवे, भावें स्मार्ट LED होवे, ते भावें स्मार्ट क्लास च लग्या होया पैनल होवे, कुछ भी होवे, होर भी बहुत सारे साधन ने, किहड़े साधन ने उन्हां बारे अगे गल करांगे। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होवेगा, उनके माध्यम नाल जिहड़ी जानकारी है उसनूं संचारित किया जाऊगा। जानकारी स्टोर भी है अपने ऐप के अंदर, की है जानकारी स्टोर है, स्टोर भी हो रही है, प्रसारित भी हो रही है, तुहाडे तक पहुंच भी रही है, और तुहाडे ज्ञान विच वाधा भी हो रहा है। मकसद अपना ही है ज्ञान च वाधा हो जाए, और तुहाडे ज्ञान च वाधा भी हो रहा है, अते ज्ञान संचार तुहाडी निर्णय शक्ति दे नाल नाल तुहाडी समस्या है वह भी हल हो रही है। ये एक उपकरण है जिस नाल, जिस टैक्नोलॉजी की वरतों करके इंटरनेट राही तुहाडी समस्या का समाधान हो रहा है। ये की है, ये भी आईसीटी का एक उपकरण है। इन बहुत सारिया चीजा शामिल होनगियां पई आईसीटी के अंदर जिहड़ियां लाहेवंद रहणगियां। हार्डवेयर की कहिंदे, आईसीटी एक भिन्न समूह के तकनीकी साधन अते संसाधनां का मिश्रण है। संसाधन का मिश्रण भी है, कई संसाधन इस काम आ सकते हैं भाई, जो संचार लई अते सूचना नूं
सिरजित करता है, प्रसार करता है, स्टोर करता है, संचालन करन दे विच मदद करता है। इन्हां तकनीकां विच कंप्यूटर आ सकता है, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग दियां तकनीकां, रेडियो अते टेलीविजन अते टेलीफोन भी शामिल ने। हुण देखो जदों इंटरनेट शामिल हो गया, कंप्यूटर शामिल हो गया, तो अपना कंप्यूटर नाल भी आपां कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं भाई, मोबाइल नाल भी कर सकता है गूगल मीट दे राही, कंप्यूटर दे उत्ते भी आपां की कर सकते हैं, गलबात कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस च भाग लै सकते हैं। उस नाल की होया, उस नाल ओ जिहड़ी है स्टोर भी हो जाएगी, तुसीं उहनूं बाद च भी वेख सकते हो। देखो सृजना भी होगी, प्रसारण भी हो गया, स्टोर भी हो गया, संचालन भी हो गया, संचार भी हो गया, आपां नूं ज्ञान भी प्राप्त हो गया, आपां ज्ञान दी वरतों भी कर ली। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ICT ਰਾਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ICT ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਟੋਰ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ, DVD, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ, ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏ, ICT ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ICT। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ICT ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ, ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ICT। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICT ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ, ICT ਲੈਬ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ICT ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ, ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ICT ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ICT ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ, ਉਹੀ ICT ਲੈਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ICT ਹੈ, ਉਹੀ ICT ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ICT ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਦੱਸਤੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ICT ਹੈ। ਹੁਣ ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ICT ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਰਸਾਲੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਨੋਟਸ, ਚਾਰਟ, ਨਕਸ਼ੇ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਿਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੈਡ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰਹੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ TLM ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੱਢੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਲੈਨ ਮੈਨ ਵੈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਈਮੇਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
इस दे अंदर और इस दे अंदर ही आप जो आप इंटरनेट की गल करती जो आप कंप्यूटर की गल कर ली जो आप मोबाइल की चंगी वरतों की गल कर ली तो उसके अंदर ऐसे सारे इन्हों चीजा मिलकर ही तो कोई ऐप चलेगा ना एवं अपने आप ऐप थोड़ी खड़ा हो जाएगा। तो यह चीजा है ये आधुनिक जे आधुनिक साधन है वह आधुनिक आ जाएंगे भाई जेडे परंपरागत है वह परंपरागत उन्होंने आ जाएगा क्योंकि परंपरागत च की होंगे सी रसाले होंगे सी पुस्तक होंगी सी नोट्स होंगे सके रेखा चित्र होंगे सी टीवी रेडियो वगैरह यह चलता सिंह सूचनावां का प्रसारण किया जाता सी। अजकल की आ गया अजकल कंप्यूटर आ गए प्रोजैक्टर आ गए डिजिटल लाइब्रेरी आ गई इंटरनेट आ गया ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल रूल क्लासरूम है जेडे आ गए भाई ये सब चीजा आ गई। हुण अगे आपां गल करदे हाँ आईसीटी की लोड़ की जरूरत है आईसीटी की इस दे उत्ते विचार करांगे। सूचना ते ज्ञान देखो जे तुहानूं सूचना ते ज्ञान हासिल करना है तो आईसीटी नाल जुड़ना पवेगा आपां भी आईसीटी नाल जुड़े हुए हैं और सूचना ते ज्ञान तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। असीं विज्ञान ते तकनीक दे युग च रह रहे हां इस दे सहयोग नाल ही असीं किसी भी समय किसी भी स्थान ते सूचना ते लर्निंग समगरी की पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। हुण बच्चा देखो कित्थे भी बैठा होया कित्थे भी बैठा है आईसीटी के माध्यम नाल उहदे तक मैटर पहुंच रहा है। तुसीं भावें कंप्यूटर के उत्ते कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी मारो बुक डाउनलोड कर लो और किसी तरीके जिवें अपने ऐप राही तुसीं भी डाउनलोड कर सकते हो आईसीटी का लाभ लिता है आपां भी उस विच ओह आपां नूं मिल सकता सूचना ते ज्ञान लई हुण ज्ञान ही वंडिया जा रहा है ठीक है। तो सब तो ज्यादा ज्ञान ही अजकल कंप्यूटर के उत्ते कोई भी अगर सर्च करूगा तो फटाफट गूगल सर्च मारूगा देखूगा की है और कई गलत गल्लां भी गूगल है जिहड़ा वह दस दिंदा क्योंकि गूगल ट्रेंड नूं फॉलो करता है ट्रेंड के जिहड़ी चीज़ एक बार आ गई पलाओ गलत है पलाओ सही है वह अगे परोसता जाऊगा। दूजा नंबर सीखण दे वख वख साधना तक पहुंच कंप्यूटर अते वैब दे युग विच आईटी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दे अध्ययन तो सीखण कौशलां लई वधेरे संसाधन प्रदान किए हैं। इस तकनीक नाल आईटी नूं पाठक्रम विच मुख साधन बनाया है पाठक्रम दे विच मुख साधन है आईटी इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इन दी वरतों की जाती है जिस नाल सिख्यार्थियों नूं पढ़ाई विच कंप्यूटर एक साधन की तरह वरतों में आ रहा है। हुण तुसीं वेख रहे हो कि जिहड़े फॉरनर है फॉरन विच की होंदा है कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल के अंदर तो उन्होंने को बस्ते जगह टैबलेट है भाई अपना टैबलेट है छोटा लैपटॉप है या फिर टैबलेट पीसी है बस उनके ही वो सारा जिहड़ियां सारिया बुक है उत्थे ही करते हैं ठीक है जिहड़ा काम करते हैं उनके उत्ते अपलोड कर देंगे है इस तरीके तो वख वख संसाधनों तक पहुँच है जी वह बन जाती है और उनका वेट भी घट गया बहुत सारिया हम किताबा चकन की आपको लोड़ नहीं है आप एक कंप्यूटर चक लिया उनके अपनिया सारिया किताबा अपने को डाउनलोड है पर जे तुसी वो दूजे तक पहुंचानी है तो फिर तुहानू की इंटरनेट की वरतों करनी पेगी इंटरनेट के सहयोग नाल आपां दूजे तक पहुंचा सकते उन्हें मेल कर दो पहला यूट्यूब उत्ते प्रसारित कर दो किसी ऐप उत्ते जिवें मर्जी कर दो सारे चलणगे काम सीखण दे वख वख संसाधनों तक पहुंच बनती है। अगे खास जरूरतां वाले बच्चों लई ज्ञान संचार दे मार्ग नूं सुखाला करना विशेष आवश्यकता वाले बालक हिंदी दा शब्द बोल रहे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे ने जेडे उन्हां लई इह बड़ा ही जिहड़ा ज्ञान संचार दा मार्ग आ सुखाला हो गया। हुण एक मास्टर है मान लो वह बार बार किन्नी बार समझाऊगा मान लो किसी बच्चे नूं देख नहीं रहा दिखता नहीं बच्चे नूं सुणदा इस दी बजाय वह की करूगा वह कंप्यूटर पर गया इंटरनेट पर गया मास्टर का एक ही चैप्टर बार बार सुन रहे की होया उनका ज्ञान जिहड़ा है उस च वाधा हो गया भाई ज्ञान का संचार हो गया उस तो संबंधित होर भी कोई हैगा उत्थे विशेष टीचर नहीं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर विशेष टीचर नहीं गा परंतु हुण की करूगा इंटरनेट तो अपना जो विशेष टीचर है किसी भी टीचर जुड़ सकता है और उनके लिए सिखाला हो गया उनकी जरूरत है जी खास जरूरत वाला बच्चा विशेष बालक है जिहड़ा उन्हूं भी जिहड़ा उनका ज्ञान का संचारण मर गया उनके तक ज्ञान पहुंचना हुण सुखाला हो गया जरूरत है भाई आईसीटी दी लोड़ उन्होंने भी है। ऑनलाइन सुविधावां भाई ऑनलाइन सुविधा अगर तुहानूं चाहीदी है तो आईसीटी की जरूरत है। ऑनलाइन उपकरण कंप्यूटर प्रक्रिया विच प्राध्यापक दे प्रत्यक्ष नियंत्रण विच हुंदा है पूरा कंट्रोल रहिंदा है जिहड़ा लैक्चरर हैगा उहदे कंट्रोल दे विच रहूगा वह सिस्टम सारा कंप्यूटर वगैरह की कंप्यूटर से चल रहे हैं कदे भी जदों भी देखो तुसीं आईसीटी लैब अंदर कोई प्रोग्राम चलाते हैं या स्कूल दे विच जिहड़ी
स्मार्ट एलईडी लगी है, उस तरह ही कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, बिल्कुल कंट्रोल प्रोग्राम चलाते हो, एवं नहीं कि कुछ भी दिखाते, क्योंकि बच्चे सामने बैठे हैं, बड़ा ही सचेत रहना पैंदा, एक कंट्रोल है वो उस दे उत्ते रखते हैं। वैब आधारित ऑनलाइन ज्ञान का सागर है भाई, विशाल खेत्र है वैब दे उत्ते पिया होया, जिन्ना मर्जी चको जिन्ना मर्जी पढ़ो, जिहड़ी मर्जी बुक है तुसीं बुक पढ़ सकते हो, बुक नहीं पढ़ सकते तां ऑडियो पईआं हुंदीआं, वीडियो पईआं हुंदीआं, पीडीएफ पईआं होईआं बुकां दीआं, पढ़न वाला होना चाहिए। ये किस नाल होया? आईसीटी सहयोगी लिखाई अते जानकारी नूं वंडण विच, सहयोगी लिखाई अते जानकारी नूं वंडण विच आईसीटी दी लोड़ है। जे तुसीं अज स्कूलां कॉलेजां विश्वविद्यालय पुस्तकालय विच आईसीटी एक जनसंख्या की प्रणाली है, इस नाल समूह का काम करने ज्ञान विच वाधा हुंदा है, लोग समूह च काम कर रहे हैं आईसीटी राहीं। वड्डियां वड्डियां कंपनियां वाले तां की करदे आ, ऑन टू वर्क टू होम कर रहे हो, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। मान लो किसी ने कुछ भी कोर्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने ट्रेनिंग देनी हैगी है, कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, ट्रेनिंग करे बैठे बैठे ई चैट करते हैं, उन्होंने विचार वटांदरा करते हैं, उन्होंने समा देंगे, ऑनलाइन का उन्होंने समा मिलता है अपने नाल। जिहड़ी उन्हें एक बंदा जिहड़ा लिख रहा थीसिस, एक बंदे ने कोई थीसिस लिखी, एक बंदे ने कोई चंगा काम किया, एक बंदे ने कोई चैप्टर बनाया, कुछ भी बनाया, वो आईसीटी के सहयोग नाल सारिआं नाल सांझा कर सकदा है भाई। जिवें अजकल लोग यूट्यूब राही करते हैं सारिआं नाल, या अपना कोई ऐप बना के सांझा करते हैं, या तुसीं अपनी कोई इस तों वी वड्डा टैक्नोलॉजी खड़ी कर सकते हो, उस नाल सारी दुनिया नाल सांझ पा सकते हो। यह तुहाडे उत्ते तुहाडी मियार किन्नी वड्डी है, उन्ना वड्डा तो तुहाडा सांझ होवेगा। यह होगी किंदे नाल? यह आईसीटी नाल, आईसीटी की लोड़ है, इस तों बिना नहीं हो सकता भाई। मिश्रित सिक्ख्या प्रणाली बई, मिश्रित सीखने लई, मिश्रित रूप च सीखना है, मिश्रित सीखने लई इस शैली विच परंपरागत अते आईसीटी द्वारा बेहतर बनाए गए ई सिक्ख्या प्रारूपां दे सुमेल दा उपयोग किया जाता है। हर तरीके का मिश्रण है वह आपां कर सकते हाँ आईसीटी दे सहयोग दे नाल, मिश्रण लई जरूरी है। बहु माध्यम मार्ग सत्त नंबर बई, बहु माध्यम मार्ग है जिहड़ा, बहु माध्यम मार्ग का मतलब है कि वह उपकरण अते संसाधन जिन्हां विच नज़र आवाज या दोनों, नज़र भी आवाज, ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो दृश्य सर्वे दोनों का प्रयोग होंदा है। तकनीकी अते सिखण सिद्धांतां दे विकास नूं असीं सर्व दृश्य सिखण दे रूप विच भी देख सकते हाँ। बहु माध्यम मार्ग है, कल्ला एवें नहीं भाई कल्ला आपां सोहणी सुन रहे हैं नहीं, या कल्ला दिख ही दिख रहे नहीं, सुनेगा भी दिखेगा भी, प्रिंट लैणा है कुछ भी लो, सब कुछ हो सकता है, परंतु इस लई आईसीटी की लोड़ है। आईसीटी आ लोड़ां पूरियां करदा है। दूरवर्ती सीखण डिस्टेंस कोचिंग, दूरवर्ती सीखण पई क्लासरूम च ना बैठ के, हुण इस समय की है दूरवर्ती सीखण हो रहा है, मैं अपने घरे है, सारे अपने घरे है, अपने घरे घरे सीख रहे हैं, आईसीटी के सहयोग नाल दूरवर्ती सीखण हो रहा है। आईसीटी की मदद नाल विद्यार्थी दूजे देशों के विद्यार्थी ते अध्यापक नाल भी आसानी नाल संप्रेषण कर सकता है। अध्यापक कितने दूर बैठा है तां भी आईसीटी के माध्यम नाल अपने अध्यापक नाल गल कर सकदा है, गलबात कर सकदा है, सीधा मुखातब हो सकदा है, कोई गल पुछनी है पुछ सकदा है ऑनलाइन माध्यम नाल। जिवें आपां जदों ऑनलाइन क्लास लगाने आ तां फिर करदे हैं वरतों करदे हैं, हुण इह तां अपना चलो आ सैटअप हो गया, लोग गूगल मीट नाल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस नाल कर रहे हैं, वड्डी जदों एलईडी पैनल दे विच कॉन्फ्रेंस होंदी है तां किसी नूं भी ओह अगर जदों कहिंदे भाई फलाणी जगह तों पदमपुरा वाला या किसी भी जगह तों फलाणा बंदा बोले अपने विचार रखे, फिर ओह विचार रखदा तां ओह विचार फिर सारिआं नूं सुणदे आ भाई, किन्ना वड्डा चैनल है जो आईसीटी नाल खड़ा हो गया। तुसीं इह जे आईसीटी दे किसे भी प्रोग्राम दे अंदर जरूर भाग लिता होना है भाई, या कदे ना कदे वेख्या होना, जिहड़ा तां लग्गिया होया लैक्चर की तैयारी कर रहा लग्या हो चंगी तरह जानता आईसीटी, और जरा मान लो कि लग्या हो नहीं गा वो भी की कहें कि इस जान गया भाई, क्योंकि वह जो शाम मैं विश्लेषण से आना तो मुखातब हो जाता जी चीज पूछनी होंगी, अगर वीडियो संचालित कर दिए तो उनकी फोटो मनु दिखूगी, मनु फोटो आँदी दिखूगी। ये थोड़ा जोड़ा इनका पद्धर है लैटेस्ट जरूर है पर छोटा है, परंतु व्डे पद्धर से की होंगे कि वड्डे वड्डे पैनल लगाए जाते हैं, सारे लोग बैठते हैं और कोई भी लोग है जो
अलग अलग थां तों हर थां दे उत्तों सीधा डायरैक्ट आपां उहदे नाल गलबात कर सकते हैं बई। जदों कॉन्फ्रेंसां होंदियां वड्डियां वड्डियां तो वह करते हैं, अजकल तां इत्थे वर्चुअल उद्घाटन भी कर देंगे, अगले घरों ही बैठे अगले ऑफिस दे विच्चों फलानी जगह से वर्चुअल उद्घाटन हो गया, उत्थे LED लगी दी, अगला ने कट्टी दी बन चल बई चलाता। ये किस नाल हो चुके है? इसी नाल दूरवर्ती सीखण की अगर गल करिए, आप दूरवर्ती सीखण यह सब तो वधिया एग्जाम्पल है दूरवर्ती सीखण का, जिवें मैं तुहानूं सिखा रहा है यह दूरवर्ती सीखण का है। ICT दे सहयोग नाल हो रहा है भाई, जे ICT ना होंदी तां सहयोग इस तों बिना नहीं हो सकदा सी भाई। ये कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब इस तों बगैर नहीं हो सकदा सी। यूट्यूब तां इक इंटरनेट ऐप ही है भाई, जिवें अपना ऐप हैगा वह थोड़ा वड्डा ऐप है, तां उस दे हैगे। अगे सिक्ख्या अनुसंधान अते विकास दे लई, सिक्ख्या अनुसंधान अते विकास दे लई वी ICT दी लोड़ है। सूचना अते संचार तकनीकां ने देश दी खोज सिक्ख्या अते विकास दी लोड़ दर्शाई है। सिक्ख्या अनुसंधान करना है, विकास करना है, कुछ भी करना है उस लई ICT दी लोड़ है। यह विकास वक्ख वक्ख खेत्रां च योगदान दे के देश की आर्थिक स्थिति च विकसित होंदा है देश, समर्थ होंदा है देश। ते इसलिए सिक्ख्या अनुसंधान लई, रिसर्च लई और उन्दे विकास लई जरूरी है। और अजकल तो कोई भी PhD करता है, रिसर्च वगैरह करता है तो पहला की करता है कि अपना कंटेंट वह पा के वेखता है भाई, इस कंटेंट के उत्ते पहला किसी ने PhD की तो नहीं हुई, थोड़ा सिखाला हो गया ना, नहीं तो वो गाइड को भेजता अगे देखता करता कि पहला PhD की आप पेज करके चेंज करके आप ही PhD कर ली। सुविधा होगी, कोई भी मैटर आपको चाहिए कुछ भी पढ़ना है तो उसकी भी सुविधा होगी। ICT की लोड़ है। सेहत अते देखभाल, सेहत अते देखभाल लई भी जरूरी है भाई। मौजूदा सेहत विभाग अते प्रशासन विचकार संचार कमजोर है, परंतु ICT नाल अते आधुनिक तकनीकां दे नाल नाल सेहत विभाग च इस दी बहुत लोड़ है। सेहत विभाग वाले ICT दी वरतों करन, और मान लो जयपुर च कोई बंदा बैठा है गंगानगर च कंट्रोल करना है तो गंगानगर की कहिंदे है कि सीधा गलबात कर सकदा है भाई ICT दे माध्यम नाल। कदे कोई मीटिंग लैनी है, कुछ भी लैनी है, सीधा करो, बड़ी लोड़ है सेहत ते देखभाल लई। आपां नूं भी जे वधिया डाक्टर नहीं मिल रहा तो आपां ऑनलाइन किसी वधिया डाक्टर नूं दिखा सकदे हां, नहीं दूर जाण दी आपां लोड़ नहीं उस डाक्टर दे कोल, ऑनलाइन आपां डाक्टर नूं दिखा दईए, इसलिए भी लोड़ है। पर जिहड़े सेहत विभाग है, हुण सेहत विभाग तां मान लो जयपुर च है या दिल्ली च है, जिहड़ा पूरे भारत नूं कंट्रोल कर रहे, कित्थे कित्थे जावेगा वो की कर सकदा है? सीधा वर्चुअल सिस्टम कर सकदा है, सीधी ऑनलाइन मीटिंग लै सकदा है, सारे प्रतक तौर पर हाँ भाई तुम्हें की किया वो दिखा भी सकते हैं, सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है। एक तो हर स्टेट जाके फिरना, एक सीधा उतों ही सीधा मुखातब हो जाना, तो ज्यादा फायदेमंद रहता है, इनकी लोड़ है। इसलिए खेतीबाड़ी के विकास के खेत्र च भाई, खेतीबाड़ी च भी ICT की बड़ी लोड़ है। इंटरनेट की वरतों नाल खेतीबाड़ी खेत्र च सूचना आयोजित करना, पहुंचाना, मोनिटरिंग लई ICT की लोड़ है। इस नाल उन्हां नूं पता लग जाएगा भी कि फसल बीजनी है, कि कटनी है, इस टाइम की हो सकता है, या फिर मीह आऊगा कि नहीं। अजकल पता लग रहा है किसान है जिहड़ा, उन्हूं पता लग गया बई अज मीह आने वाला है तो फिर अज की कहिंदे फसल नहीं बीजता, या वह कहिंदे जी 5-7 दिन बाद मीह आऊगा, 8-10 दिन बाद मीह आऊगा, तो फसल बीज देंदे ताकि 8-10 दिन बाद मीह पै जाए, वधिया हो जाए। उस हिसाब नाल अपने जिहड़े प्रोग्राम है अगे पिछे कर सकदे आ। ICT की लोड़ है, उन्हूं भी जो उन्हूं सही तरीके नाल सूचना मिल जाए, सही टाइम पर इनफॉर्मेशन मिल गई, उनका कम्युनिकेशन संचार हो गया, तो अपने बचा के उपा कर सकते हैं। फसल वढ़नी है, पता लग गया ICT के थ्रू बई नेरी आने वाली है, तो फिर अगला टाइम ना सलटा के कह भरावा लपेटो नेरी आने वाली है, परसों नेरी दसी है, कल नेरी दसी है, अपना अज नहीं तो अगला जाके पिया देखिया नेरी आ गई, चलो जी मुश्किल हो गया। तो दो दो तीन तीन चार चार दिनों का, क्योंकि पहला विद्वान से जेडे बंदे बुजुर्ग बंदे होंगे वह तो एक दिन का दसते थे, अगले 10-10-20 दिन महीने का दस देंगे अजकल, तो और अजकल एक्यूरेट भी दस रहे हैं भाई मौसम विभाग वाले, पिछले 1-2 साल तो पहला दिक्कत आ रही थी परंतु हुण सही दस रहे हो। हुण ICT की लोड़ किनू किनू है, क्यों है? सूचना ते ज्ञान लई सीखण दे वख वख साधनां तक पहुंच बनती है, खास जरूरतों वाले बच्चों लई ज्ञान संचार के मार्ग नूं सुखाला करता है, ऑनलाइन सुविधावां है जिहड़ी उन्हें लोड़ है, सहयोगी लिखाई ते जानकारी
ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ICT ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ICT ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਰਗ ਜੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ICT ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਣ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ICT ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ICT ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਭ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ICT ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ICT ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਈ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼। ICT ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੌਸਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ICT ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ICT ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਚ ਆਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ICT ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ, ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਾ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਭਰਮਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੋ ਹੀ, ਈ ਮਿੱਤਰਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਣ ਕੌਸਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਚ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ICT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ICT ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ICT ਦੇ ਉਦੇਸ਼। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਰਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ICT ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ICT ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ, ICT ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਪਰੰਪਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ICT ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ICT ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ICT ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ।